नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने आज 7 जून को राज्य सेवा परीक्षा 2022 में फिर दोहरा रहा हूं, मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। द सूत्र एक बार फिर सही साबित हुआ है। हमने आपको कल ही ये बता दिया था कि इसी हफ्ते आयोग मेंस 2022 का भी रिजल्ट जारी कर सकता है। आप इस रिजल्ट को MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं या फिर द सूत्र की वेबसाइट पर जाकर के भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हमने पहले इस बात का खुलासा कर दिया था और 87.13% फॉर्मूले के तहत जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 87% पदों के लिए 1,283 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, जबकि 13% पदों के लिए 313 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। अब इन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आपको यहां मैं बता दूं कि ये परीक्षा 457 पदों के लिए आयोजित की गई थी और लगातार ये बातें चल रही थी कि चुनाव के चलते कॉपियां चेक नहीं हो पा रही थी, टीचर्स आयोग को नहीं मिल रहे थे। द सूत्र लगातार बार बार ये खबर उठा रहा था कि आयोग इस मामले को लेकर के लेट लतीफी कर रहा है, पर आयोग की तरफ से ये बात सामने आई कि हम जल्द ही मूल्यांकन पूरा कर लेंगे और सबके सामने रिजल्ट को लेकर के आएंगे। तो आयोग ने आज आखिरकार MPPSC मेंस 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है और अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो यकीन मानिए इसी साल के अंत तक उम्मीदवारों का चयन भी हो जाएगा और उन्हें नियुक्तियाँ भी मिल जाएंगी। और कल ही MPPSC 2021 का फाइनल रिजल्ट भी आया है, ये खबर भी द सूत्र आपको दिखा चुका है। ये सारी खबरें आप हमारे YouTube चैनल द सूत्र या फिर हमारी वेबसाइट www.dasutra.com पर जाकर के देख सकते हैं। नमस्कार।